धरती की महान गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर का जाना सिर्फ हम भारतीयों के लिए अब पूर्णिय क्षति नहीं है। ये सुरों के जरिए पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोए रखने की उम्मीद पालने वाले लाखों करोड़ों इंसान का नुकसान है। भारत की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर ये महान पार्थिव गायिका ने गायकी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य 70 वर्षों से भी ज्यादा दिए। लता नहीं है, लेकिन उनकी जादुई मधुर आवाज हमेशा अमर रहेगी। आइए उनसे जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। पिछले कई वर्षों से अपनी अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य की वजह से लता मंगेशकर गायकी से दूर हो गई थीं। उन्होंने अपना पिछला और आखिरी गाना 7 साल पहले 2015 में रिकॉर्ड किया था। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान एक बार लता मंगेशकर ने कहा था कि वो खुद अपना गाना नहीं सुनती हैं। इसका कारण बताते हुए वो बोली थीं कि अगर वो ऐसा करेंगी तो वो अपनी गायकी में सैकड़ों गलतियां पकड़ लेंगी। लता मंगेशकर एक कार्यकाल के लिए यानी 1999 से 2005 तक राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। हालांकि उन्होंने इस कार्यकाल पर नाखुशी जताई और दावा किया था कि उन्होंने अनिच्छा से संसद की सदस्यता स्वीकारी थी। देश और दुनिया की हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।